इस्लाम का जो अक्ल माना, गुरु नानक देव जी ने सावधान किया था सब। लोक भाषा में जो शब्द आता है वो संतों के मुख से आता है, लोक भाषा में शब्द चल रहा था इसलिए गुरु नानक देव जी के वर्णन में पहली बार आता है तुर्कस्थान खसवाना दिया हिंदुस्तान बनाया। गुरु नानक देव जी ने साफ कह दिया कि ये आक्रमण हिंदुस्तान पर है, हिंदू समाज पर है, किसी एक पूजा पर नहीं। क्योंकि तत्व की दृष्टि से देखें तो इस्लाम के जैसे तत्व कहे जाते हैं वैसे एक तरह से निराकार के तत्व उनको उससे सामने रखने वाली पूजा है, भारत में भी है, उनको भी बख्शा नहीं गया क्योंकि इसका पूजा से संबंध नहीं था, इसका प्रवृत्ति से संबंध था। प्रवृत्ति ये थी कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, जिनको रहना है उनको हमारे जैसा होना पड़ेगा। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय उपाय नहीं था, न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकते। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है, वो ये कहती है कि तुम अलग हो इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है, जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो, मेरी विशिष्टता है वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं, झगड़ा करने की बात कहां है, मिलके चले। इस सबको जोड़ने वाली, सारे मानवों को एक करने वाले तत्व के विरुद्ध तत्व का उससे संघर्ष कब शुरू हुआ, विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए, शकुन कुषाण यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए, बस गए वो यहां के समाज में रचपच गए। सब लोग कहां है पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए वो आज कहां है पता नहीं, कुण कुषाण यवन कहां है पता नहीं,